नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी आप समस्त प्रिय दर्शकों एवं प्रिय श्रोताओं का आपके अपने YouTube चैनल पंडित अश्विनी चतुर्वेदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक गिलास दूध का महाचमत्कारी उपाय। इस उपाय को कर देने से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मात्र एक गिलास दूध आपके जीवन को चमका देगा, आपके जो है जीवन में जो है नई खुशहाली ला देगा, नई उमंग ला देगा। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो ये उपाय आपके जीवन में बहुत सारी जो है समस्याओं का जो है समाधान मात्र एक गिलास दूध से ही हो जाएगा। या वो धन की समस्या हो, या आपके ऊपर जो है किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो, या किसी प्रकार की आपके घर में जो है परेशानी चल रही हो आपके साथ जो है, तो आप मात्र इस उपाय को कर दीजिए। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में अनेकानेक प्रकार के जो है चमत्कारी जो है परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में जो है अनेकानेक प्रकार की जो है समस्याएं जो है आपके दूर हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं चमत्कारी उपायों के जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप लोग इसका लाभ उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज के कार्यक्रम को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है एक गिलास दूध लेना है और एक गिलास दूध से ये चमत्कारी उपाय को करना है। और मैं इस उपाय को शुरू करने से पहले बता दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, या तो आपके जीवन में जो है आर्थिक संकट है, नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, या अनेकानेक प्रकार की, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है पैसे तो आते हैं, कमाई की जरिया जो है, लेकिन आपके घर में धन नहीं टिकता, आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, परिवार में जो है लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, या अनेक प्रकार की किसी भी प्रकार की यदि समस्या है, तो आप उसका सुनिश्चित समाधान जो है हमारे द्वारा जो है पा सकते हैं। मात्र आपको करना क्या होगा, आपको जो है आपके स्क्रीन पर जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा कॉल नंबर जो है जा रहा होगा, आप जो है वहां से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, साथ में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी सारी समस्याओं का जो है सुनिश्चित समाधान पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज के कार्यक्रम को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक गिलास दूध लेना है रविवार के दिन, ध्यान देना है, रविवार के दिन आपको एक गिलास दूध लेना है। और इसके बाद रात्रि में जिस समय आप सोने जाएंगे उस समय आपको एक गिलास दूध लेना है। लेने के बाद आपको इस दूध को अपने सर के पास सोते समय जो है रख करके सोना है। एक गिलास दूध जब आप सोने जाएं उस समय अपने सर के पास रख करके सोना है। और ध्यान देना है कि वो गिलास का दूध जो है किसी प्रकार से गिर ना जाए, वो आपके सर के पास रहेगा। यदि आपके सर के पास कोई बेड पे जो है अगर रखने का स्थान हो वहाँ पे आप रख दीजिए। बस ध्यान आपको यही देना है कि वो दूध गिरना नहीं चाहिए। रविवार के दिन इस क्रिया को करनी है। रात्रि में जो है आपको रविवार की रात्रि में जो है इसको रख देना है और सो जाना है। सुबह जो है उठना है, नहा धो करके फ्रेश वगैरह होकर के आप जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और इस दूध को लेकर के आपको जो है चले जाना है एक वृक्ष के पास। आपको जो है बबुल वृक्ष, बबुल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और बबुल वृक्ष के नीचे जो है ले जा करके इस दूध को जो है बबुल वृक्ष की जड़ में जो है डाल देना है। और इस क्रिया को जो है आपको जो है प्रत्येक रविवार को जो है दूध को रखना है और सोमवार की सुबह जो है इसको जो है ले जा करके और बबुल वृक्ष की जो है जड़ में जो है इसको डाल देना है। बस इस क्रिया को आप करिए, आपके जीवन के अनेकानेक प्रकार की जो है समस्याओं का निदान होगा। और साथ ही आपके जीवन में धन की समस्या यदि आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपको धन की जो है अनेकानेक प्रकार की जो है स्रोत आएंगे जहाँ से आपको जो है धन प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा उपाय आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा और आप इस उपाय को कीजिए और इसका लाभ जो है उठाइए और इसको अन्य लोगों के पास भी जो है शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी आपके द्वारा जो है इसका जो है लाभ उठा सकें और वो भी अपने जीवन में जो है इसका जो है आनंद ले सकें। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नए जानकारी के साथ नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता रानी।